अरे निर्भीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनडीए पर रोक लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओल्ड पेंशन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। एनपीएस को खत्म करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। आवाज दो, आवाज दो। आज दिनांक 28/5/2022 को AIRF महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा एवं महामंत्री ECRQ श्री SNP श्रीवास्तव महोदय के आह्वान पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश जिसमें नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त पद में 50% सरेंडर करने की तुगलकी फरमान के विरोध में मंडल मंत्री ECRQ समस्तीपुर श्री KK मिश्रा जी के निर्देशन में समस्तीपुर मंडल की सभी शाखाओं में भोजनावकाश में विरोध प्रदर्शन किया गया। ADN कार्यालय समस्तीपुर, विद्युत कार्यालय समस्तीपुर, कैरेज एवं वैगन कार्यालय समस्तीपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यालय शाखा अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने किया एवं लोको सेड में कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजकुमार संयुक्त शाखा सचिव लोको ने किए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यालय शाखा अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के हक की लड़ाई में ECRQ किसी भी हद तक संघर्ष के लिए कृत संकल्प है। इस गेट मीटिंग में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 72,000 पदों को सरेंडर करने के खिलाफ कर्मचारियों ने आक्रोशित स्वर में काफी नारेबाजी की। केंद्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तरह तरह के हटकंडे अपना कर रेलवे को बर्बाद करके निजी हाथों में सौंपने की साजिश कर रही है, परंतु आज भारतीय रेलवे में नौजवान और पढ़े लिखे युवाओं की बहुत है जो सारी साजिशों को समझ रहे हैं और सभी रेल कर्मियों एवं रेल के उपभोक्ताओं को समझा भी रहे हैं। किसी भी कीमत पर रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की साजिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावे सभा को मुख्यालय शाखा सचिव RN झा, अर्जुन कुमार सिंह, अजय कुमार यादव, विनोद कुमार, वाय शाखा से अनिल कुमार, मंजूर आलम, विनोद कुमार, महेश कुमार, लोको शाखा से सत्यनारायण राय, राजकुमार, राजेश लाल, अशोक कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार, सतीश चौधरी, रंजन कुमार के अलावे चंद्रभूषण राय, सीताराम, देवाशीष भद्र आदि ने कार्यक्रम को संबोधन किया। साथ ही नरकटियागंज शाखा, बापूधाम, मोतिहारी शाखा, दरभंगा शाखा एवं सहरसा शाखा में भी कार्यक्रम किया गया। BNP न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता दिव्यांश राय की रिपोर्ट।